ज्योतिषी गलत हो सकता है, परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। आइए जानते हैं व्रत और त्योहार 28 मई से 4 जून। मां धूमावती जयंती 28 मई को इस बार पड़ रही है। मां धूमावती 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या है, जो धूमावती मां का स्वरूप है। इसकी आप इस दिन पूजा करें, मां को नमकीन का भोग लगाएं, मां का पूजन अर्चन करें, तिल के तेल का दीपक मां के सामने जलाएं, आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रहे, सौभाग्यवती और सुहागन औरतें मां की पूजा से बचें। 29 मई को महेश नवमी है। महेश नवमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके शिव भगवान को जल अर्पित करें, साथ में थोड़े कच्चे चावल और दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। 30 मई के दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अगर आप गंगा जी के घाट पर जाकर स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप गंगा जी के घाट पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। यदि इतनी मात्रा में गंगा जल ना हो तो एक सूखी बाल्टी में पहले एक ढक्कन गंगा जल का डालें और बाद में उसमें नॉर्मल पानी भरकर उससे स्नान किया जा सकता है। 31 मई को माँ गायत्री जयंती है। माँ गायत्री का पूजन अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। 31 मई को ही निर्जला एकादशी भी पड़ रही है, तो इस दिन जल का दान का बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। 31 मई को ही राम लक्ष्मण द्वादशी भी पड़ रही है, जिस दिन राम लक्ष्मण का पूजन करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। प्रद्योष व्रत 1 जून को है। वट पूर्णिमा व्रत जो है 3 जून को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून को है। साथ ही कबीरदास जी की जो जयंती है वो 4 जून को रहेगी। कर्क राशि 29 मई से 4 जून। अगर हम बात करें तो 29 और 30 मई कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छी होने वाली है, शुभ होने वाली है, जबकि 1 और 2 जून कर्क राशि के जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। अगर बात करें तो मंगल कर्क राशि के होकर लग्न भाव में विराजमान है, चंद्रमा सिंह राशि के होकर द्वितीय भाव में विराजमान है, जो कि आपको धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। यहाँ पर धन प्राप्ति के योग हैं। केतु तुला राशि के होकर सप्तम भाव में विराजमान है, जो थोड़ा सा आपका नुकसान और खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। शनि कुंभ राशि के होकर अष्टम भाव में विराजमान है, तथा राहु बुध बृहस्पति मेष राशि के होकर दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में विराजमान है। सूर्य वृषभ राशि के होकर 11वें भाव में विराजमान है, तथा शुक्र मिथुन राशि के होकर 12वें भाव में विराजमान है। 29 मई को कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे अचानक मिलेगा, जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा होंगी। भाग्य को कदम कदम पर साथ में आप खड़ा पाएंगे, किसी प्रेरक व्यक्ति से अभिभूत होंगे, जबकि 30 और 31 को अचानक आपको लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जो आपको हर्षित रखेगा, उल्लास से भरकर रखेगा। उचित मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जो दैनिक व्यवसाय में है, डेली व्यवसाय में है, उनका डेली का गल्ला यहाँ पर अच्छा जाएगा। आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आ सकती है। ग्रह परिस्थितियाँ पूर्णतः अनुकूल रहेंगी, अतः इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, आगे बढ़ने व उन्नति के रास्ते एक एक कर खुलते जाएंगे। 31 मई की शाम से थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जबकि 1 और 2 जून को समय अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। अतिरिक्त लाभ के चक्कर में यहां पर बिल्कुल ना पड़े, सावधान रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जो पैसा पहले आया है उससे यहां आपको नुकसान का उठाना पड़ सकता है। पति पत्नी या कोई अपने पति से थोड़ा सा गैर जरूरी विवाद में ना पड़े। आपके स्पाउस का यहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जो आपकी परेशानी का सबब बनेगा। दाम्पत्य संबंधों में गलतफहमियां दुख का कारण बनेंगी। किसी मेहमान का आगमन होगा और आप उनके आवभगत में स्वागत सत्कार में लगे रह सकते हैं, तथा
स्वागत सत्कार करने के बाद भी आपको मानसिक परेशानी मिल सकती है। 3 और 4 को पुनः समय में सुधार आना शुरू हो जाएगा, आप थोड़ा मानसिक सुकून का अनुभव करेंगे, मित्र व प्रशंसक आपकी वाहवाही करेंगे। हालांकि इन सब के बीच चापलूसों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए समय पक्ष में आएगा, कार्य में विस्तार की योजनाओं को अमल में लाएं। कोई शुभ समाचार आपको यहां पर मिल सकता है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, परंतु जिस प्रकार से धन आएगा उस प्रकार से आपका खर्चे भी हो जाएंगे। खर्चे हालांकि ये सारे जरूरी होंगे जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये समय आपके लिए थोड़ा सा उत्तम है। धन प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण के दर्शन करें और उन्हें तुलसी के पत्ते और माखन मिश्री का भोग लगाएं तथा लाल चंदन का यहाँ पर प्रभु को तिलक लगाना आपके लिए लाभप्रद होगा।